एक ही वीडियो ने किस तरह से 4000 घंटे का वॉच टाइम की तहस नहस फेरी है। ये 4000 घंटे नहीं है, ये 34000 घंटे का वॉच टाइम है। आप देख सकते हैं यहां पर 34948 घंटे का वॉच टाइम सिर्फ एक वीडियो ने पूरा किया है। दोस्तों, इसी वॉच टाइम के लिए आप अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं। मैं बारह अपनी वीडियोस के अंदर आपको इस बात से रोकने की कोशिश करता हूं कि आपने ना तो यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर बाय करने हैं, ना ही 4000 घंटे का वॉच टाइम बाय करें। आप एक जेन्युइन तरीके से काम करें तो इंशाल्लाह आपकी एक वीडियो ही काफी होगी। आज की ये वीडियो सारी आपको एनालिटिक्स दिखाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, आप लोगों को इनकरेज किया जाए कि अगर मैं इस तरह से अपनी एक वीडियो के ऊपर 34000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकता हूं और 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो एक ही वीडियो से मैंने पूरा किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ जरूरी काम करने हैं, कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना है और कुछ चीजों से आपने दूर रहना है। सबसे पहले तो आपने इस काम के लिए पैसे जाया बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि पैसे लगाकर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फेक मेथड अप्लाई करके आप अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल तो कर लेंगे, लेकिन आपको बाद में मिलेगा इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। अब तो फिर आपको करना क्या चाहिए? देखें, आपने सिंपली अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखना है, आपने अपने कंटेंट को डे बाय डे इंप्रूव करना है। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग दूसरे चैनल्स को देखें, उनके कंटेंट को फॉलो करें, उनके मेथड को फॉलो करें, उनके बोलने के अंदाज को कॉपी करें, उनके थंबनेल को कॉपी करें, हर एक चीज उनकी तरह करने की कोशिश करें। डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं। अपने वीडियोस के सीटीआर को वो हाई रखने की कोशिश करें। अब सीटीआर आपका कैसे हाई होगा कि आपका जो थंबनेल है वो बहुत जबरदस्त बनाए, उसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करें। ऐसे नहीं है कि बस वीडियो बनाई और डाल दी और थंबनेल के ऊपर काम ही ना करें। आपने थंबनेल के ऊपर काम करना है, जान मारनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी वीडियो की एसईओज। आपने अपनी वीडियो की एसईओज के लिए भी एक प्रॉपर मेथड अप्लाई करना है, उस तरीके से आपने एसईओज करनी है। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर भी एसईओज से मुतालिक वीडियोस मौजूद हैं, आप और भी देख सकते हैं यूट्यूब से और वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। आप इसके अंदर स्किलफुल हो जाएं, थंबनेल ठीक होगा तो आपका सीटीआर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो के ऊपर रुक कर देखेगी, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है बढ़ेगा और इस तरह से वीडियो जो है आपकी YouTube दूसरे लोगों को रिकमेंड करेगा। आपको जितने ज्यादा YouTube की तरफ से व्यूज मिलेंगे, पहुंचेंगे, आपका वॉच टाइम उस कदर डे बाय डे बढ़ता जाएगा। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि आपको वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। देखें, आपका चैनल जब आपने बना लिया है, अपना आपने चैनल का नाम रख लिया है, आपने अपने चैनल की कीवर्ड्स पुट कर दिए हुए हैं, अब आपने उस जो आपकी नीश है आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। आपने अपनी नीश के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाना है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप कैसे उठाएंगे? ट्रेंडिंग टॉपिक का सिंपल सा मेथड है, आप अपनी ही कैटेगरी के दूसरे यूट्यूबर्स को देखें और देखें कि वो किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप उन्हीं के टॉपिक उठाएं। कॉपी ना करें, 100% ना करें, आप उसको 70-80% उन्हीं का टॉपिक रखें और कुछ चीजें अपने पास से ऐड करें और आप उस टॉपिक के ऊपर उन जैसी नहीं तो उन जैसी लगते वाली वीडियो बनाएं। आप एक दफा बनाएंगे, दो दफा बनाएंगे, 10 दफा बनाएंगे, 11वीं दफा ऑटोमेटिकली आपकी वो वीडियो इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बस सिर्फ यही एक मेथड है जेन्युइन तरीके से वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हासिल करने का कि आप जमा के काम करें और इंशाल्लाह आपके भी जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हुआ है आपके भी हो जाएंगे।